सो है गाइस, आज के वीडियो में हम खेलने वाले माइनक्राफ्ट। माइनक्राफ्ट में हम बनाने वाले स्काईलाइन आसमान क्लाउड वाला एक प्यारा सा घर। तो फिर लेट्स गो। तो गाइस अभी हम शुरू करने वाले वो चीज जो कि मैंने आपको बताई थी। तो गाइस मैं पता नहीं आप कहाँ पे आ गए, लेकिन अभी मुझे पहले तो ये भाई बेहद भाई बार बार बारिश आ जाती है ना, इतनी ज्यादा तंग करते हैं, मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ। हाँ तो अभी ओ वहाँ पर और मैंने थोड़ा सा मैंने वैसे बना ही लिया है, और गाइस शायद आपको मैं ठीक से ना दिखूँ क्योंकि वहाँ से जो सनलाइट है वो सीधा यहाँ पर आ रही है। लेकिन कोई बात नहीं, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है वही बहुत बड़ी बात है। तो चलिए अभी हम ऊपर चलकर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने अभी तक कितना काम किया हुआ है और मैं इस वीडियो में और कितना करने वाला हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं गाइस, आप लोग देखना। और गाइस आपको अच्छा लगे तो बताना। मैंने वैसे तो यहाँ पर दो साइड अभी तो मैंने सिर्फ बनाई, उसमें से हम एक साइड बनाने वाले, लेकिन आपको अच्छा लगे तो हम दूसरी बार भी हम ये बनाने वाले, जैसे कि मैं आपको दिखाने देता हूँ। और तो गाइस अभी शाम होने वाली है तो हम पहले दिन कर डालते हैं। और गाइस इस साइड हम बनाने वाले हैं भाई अभी के वीडियो में, मतलब हम जो बना रहे उस वीडियो हम यहाँ पर एक अच्छा वाला मॉडर्न हाउस बनाएंगे, मतलब मॉडर्न हाउस टाइप। और यहाँ पर गाइस मैं सोच रहा हूँ ना बहुत बड़े फार्मिंग के मतलब बना दूँ, लेकिन ये हम अगली वीडियो में करेंगे अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे तो। वैसे मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि यहाँ से हमारे ऊपर आने का रास्ता है, और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कारपेट वगैरह बिछा कर रखी है। और ये हमारी दूसरी साइड है और ये हमारी पहली साइड है, जो कि यहाँ से कुछ दिखने में ऐसी है और मुझे लगे से काफ़ी प्यारे लगे। आप लोग भी मतलब 10 out of 10 आपको कैसी लगी है, मुझे लगे से काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगी है। अभी बात करूँ अगर मैं इस घर बनाने की, तो अभी हमें सबसे पहले यह काम शुरू करना होगा। तो मैंने इतने मतलब लेयर बना दिए, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ से ना, अभी मैं ये सारे लगाने वाला, नहीं सॉरी सॉरी गाइस, हाँ मैं यहाँ पे मैं यहाँ से और थोड़ा सा लंबा करने वाला हूँ। तो अभी मैं वो पहले कर डालता हूँ यहाँ से, बस हम सिर्फ दो ही ब्लॉक लंबा कर डालेंगे, मतलब ज़्यादा बड़ा पाएंगे। और हाँ मतलब अभी फटाफट के गाइस हम कर डालते हैं। और उसके बाद मेरा प्लान है कुछ जो वहाँ पे आगे के ब्लॉक है वहाँ पे मैं एक बालकनी टाइप बना दूँ, और यहाँ पे एक अच्छा खासा स्पेस भी मिल जाएगी हमें घर बनाने की। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ ना लोग कुछ चेंज किया जाए थोड़ा सा, शायद मुझे क्या करना चाहिए कि यही ब्लॉक सही है। गाइस मैं यही रखता हूँ, चलो कोई बात नहीं, मैं यही ब्लॉक रख देता हूँ। और यहाँ से अभी थोड़ा सा इसे ऊपर की साइड हम बना देते हैं। अभी भाई क्या बोलते हैं, मतलब इतना हम बना देते हैं ये वाला। हाँ शायद गाइस मैंने ये भी छोड़ दिया है, और ये मैंने क्या बनाया भाई, शायद गलती से गाइस यहाँ पे ब्लॉक लग गए होंगे। और यहाँ पे मैंने एक साइड ज़्यादा बना दिया, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर भी एक साइड थोड़ी सी ज़्यादा ही बना देते हैं। और यहाँ पर मैं गाइस एक एक ब्लॉक का गैप रखने वाला हूँ, इसी के बाद में यहाँ पर भी हम एक ब्लॉक का गैप रखेंगे, और यहाँ पर भी ऐसे ही समझो जब हम इस साइड भी करने वाले। यहाँ से पहला ये ब्लॉक हो गया हमारा, और ये गेप के बाद शायद यहाँ गलती से गाइस वहाँ पे लग गया, तो एक यहाँ पर भी हो गया, बाद में फिर से एक यहाँ पर होने मतलब हो गया, और लास्ट वाला होगा वो यहाँ पर। अभी यहाँ से वो कंटिन्यू हम सारा मतलब ऊपर डालते हैं फटाफट। तो अभी इसके बाद मतलब मैंने जो हमें बीच में स्पेस रखी है ना भाई, वहाँ पे मैं ना मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे हम ग्लास लगा देते हैं भाई, क्योंकि वहाँ से मतलब कहीं से हम देखेंगे ना तो वहाँ पे वो व्यू मतलब दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा भाई वो, और शायद आपको भी अच्छा लगे, मतलब मुझे तो ऑलमोस्ट अच्छा लगेगा ही लगेगा, तो शायद आपको भी लग सकता है। हाँ तो अबे भाई ये मैं कहाँ पे मतलब मैं कहाँ पे कर रहा हूँ भाई कहाँ। तो हाँ मेरा तो यही प्लान है भाई। तो गाइस ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा लेकिन अच्छा होगा, वैसे भी नहीं मतलब ये एक टाइप से कहूँ ना गाइस सर्वाइवल हाउस है। हाँ गाइस हम यहाँ पे सर्वाइव भी कर सकते हैं, मतलब मैं ये ही जगह पे वो सारी चीज़ बनाने वाला हूँ जो एक ही टाइप से सर्व कर सकते हैं, जैसे कि हमें सारी चीज़ें के लिए हमारे इस बेस पर हमें ना जाना पड़े, हमें सब कुछ यहीं पर मिल जाएगा भाई, मैं ऐसी चीज़ बनाने वाला हूँ। तो ये तो हमारा हो चुका है भाई। हाँ
अभी हम ऊपर के लेयर करने वाले, तो ऊपर के लेयर के लिए हम कौन सा ब्लॉक ले भाई? कुछ अच्छा वाला लेते हैं जो दिखने में भी यूनिक लगे ना भाई, तो वुडी ले या कुछ जैसे कलर वाले ब्लॉक ले। में उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है, तो एक काम करते हैं अभी तो, अभी के लिए छोड़ देते हैं, अभी के लिए हम ग्लास ही ले लेते हैं सबसे पहले, तो हम वही लगा देते हैं गाइस। तो यहाँ पे मैंने ग्लास ले लिया और हम गाइस यहाँ पे ये लगा देते हैं। उसके बाद गाइस आपको मैं दिखा, तो दिखने में इतना ज्यादा प्यारा लगेगा ना भाई, मतलब आपको मैं ऐसा नहीं बता सकूंगा, मतलब जैसे हो जाएगा मैं आपको दिखा दूंगा भाई, इतना ज्यादा प्यारा लगने वाला है ना भाई। हाँ देखो भैया भाई कितना प्यारा लग रहा है, अभी बीच में और कुछ आ जाएगा तो बस उसके बाद तो इतना ज्यादा प्यारा लगेगा, आप लोग मतलब सोच भी नहीं सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पर यही ब्लॉक से मतलब बनाने वाला हूँ। तो अभी गाइस मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे और एक आइडिया आया है कि मैं इसमें बीच में से थोड़ा रास्ता बना दूंगा, और उसी रास्ते के साथ मतलब हम दो पार्ट कर देंगे, एक इस साइड, एक लेफ्ट साइड और एक लेफ्ट, मतलब एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड गाइस। तो हम एक साइड कुछ और बनाएंगे और एक साइड कुछ और बनाएंगे इस मतलब इस घर के अंदर। तो मेरा कुछ इस तरीके का प्लान है गाइस। वैसे आप लोग बताना आपको कैसा लगने वाला है, लेकिन अभी मैं किसी को नहीं बता सकता भाई, उसके लिए बनाना भी पड़ेगा। हाँ तो मैंने ये बना लिया, लेकिन अभी हम देखते हैं कैसा लग रहा भाई, ये काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे हम लेंटर्न लगा देते हैं, अरे भाई कहाँ पे लगा दे, दोनों साइड एक एक लेंटर्न लगा देते हैं। ओ भाई प्यारा लग रहा है ना, और हम भाई यहाँ पे अच्छा, हाँ हम लोग का सपोर्ट ही नहीं है ना भाई, मैं भी क्या, तो ये भी अच्छा। तो अभी मैं सोच रहा हूँ ऊपर वाले लेयर हटा देता हूँ भाई, यहाँ पर हम यही वाले सारे लगा देते हैं, मतलब ये काफी अच्छा लग, मतलब कूल लगेगा भाई, वरना ये थोड़ा सा मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ तो अब ये गैस थोड़ा अच्छा लग रहा है, उससे बेटर लग रहा है। और यहाँ पर हम बनाने वाले बालकनी गैस, बालकनी, और हम मतलब मैं शायद ऐसा भी कर सकता था, मतलब यहाँ से मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँ तो ऐसा भी हो सकता है, वैसे वो भी दिखने में काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, अगर हम ट्राई करना तो हम कर सकते हैं, क्यों ना ये सारा तोड़ कर फिर से हम एक बार ट्राई कर ही ले। ट्राई के ना मतलब सिर्फ ऐसा बड़ा नहीं, और कुछ हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ वहां से ग्लासेस हटाने और बस कुछ नहीं, और ये बीच वाली जो लेयर हमने बनाई है। लेकिन उससे पहले भाई हमें वेदर ही क्लीन करना होगा ना, बार बार पता नहीं बारिश कहाँ से आ जाती है, तो हमें इस तरीके का बनाना होगा कुछ जैसे दिखने में काफी ज्यादा प्यारा लगे। ये तो नहीं पता भाई अंदर से कैसा लगने वाला, लेकिन मैं सिर्फ सोच रहा हूँ, अगर मैं सारा निकल दूँ अब लगेगी मुझे, हाँ मतलब ये सारा मैं अभी निकाल दूँ और बाहर की साइड लगा दूँ तो बाद में कैसा लगेगा, शायद मेरे ख्याल से अगर अच्छा ना लगा तो हम फिर से ही वाला करने वाले हैं भाई, वैसा तो अच्छा ही लगेगा, बुरा भी इतना नहीं लगेगा, लेकिन हम देख लेंगे भाई। तो सबसे पहले हम ये लेयर यहाँ तक खींच देते हैं, ये वाली तो ये हमने खींच दी है, तो और अब हम यहाँ पे लगाने वाले हैं ये वाला वाले लगा देते हैं गाइस, हमने लगा दिए और बीच में हम ये लगा देते हैं। तो बात करूँ तो भाई ऐसा सही लग रहा है, मतलब बुरा भी नहीं लग रहा है, और ऐसे बात करूँ तो अच्छा भी नहीं लग रहा हूँ, मतलब गाइस मैं वहाँ पे बालकनी बना दूँ तो इसे गाइस अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे ये नहीं अच्छा लगा, तो आई एम सॉरी गाइस, मैंने आपका टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन नहीं लगा भाई मुझे अच्छा, मुझे मेरा मेरा पहले मेरे दिमाग में कि अच्छा लगेगा, लेकिन इतना नहीं लगा। हाँ तो हम पहले थे वैसे ही बनाने वाले, लेकिन हमने जहाँ पर ये एक्स्ट्रा कर दिया ना, वहाँ पे हम एक बालकनी प्यारी सी बना देंगे, जिससे वो भी देखने में काफी ज्यादा अच्छी लगेगी, अगर हमें कहीं से व्यू भी लेना हो तो मतलब वो भी मिल जाएगा आसानी से। तो ये अच्छे थे, वैसे उसका लुक भी गाइस इससे काफी अच्छा आ रहा था, बताओ ना तो सच्ची। तो अभी गाइस फटाफट से मैं एक पट डालता, तो गाइज आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो अभी गाइज हम ये वाला करते हैं, अभी फटाफट से गाइज हम ये सारा तोड़े डालते हैं। ऐसा पता नहीं भाई मुझे इतनी देर क्यों लगती है सारा काम करने में, वैसे होता ही नहीं मुझसे, अगर सर्च कहूँ ना तो गाइज। और पता गाइज मुझे ये कि माइनक्राफ्ट की वीडियो में काफी देर बाद लाया, वैसे लास्ट वीडियो शायद मैंने कौन सी, हाँ
मैंने गाइस लास्ट वीडियो स्पेयर टीचर की अपलोड की थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाकर प्लीज देख लेना। और गाइस अच्छा मेरी स्क्रीन अच्छी नहीं आ रही, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा था अगर मेरी फोन की स्क्रीन दिख रही हो वही भाई बढ़िया। हाँ तो ये हमारा हो चुका है और यहाँ पर हम लगाने वाले हैं पहले तो ये वाले ब्लॉक, तो ये सामने होने वाले फिर से भाई। मैं मुझे कसम से बताऊँ मुझे ऐसा नहीं पसंद है, तो काम के मतलब दिन ही अच्छा लगता है जिससे गैस कुछ रोशनी आए। गैस अब देखो मैं आपको सच बताऊँ ना, यहाँ पे रोशनी आ नहीं रही है, मुझे यहाँ से रोशनी जा नहीं रही है, क्या बताऊँ भाई। हाँ गैस अभी देखो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, अभी मैं ना बाहर से एक बार बालकनी भी बना देता हूँ, गैस हम यहाँ इससे बना देते हैं, देखने में वैसे अच्छा भी लगेगा ये, लेकिन देखते हैं फुल लग रही है। वैसे यहाँ से जाने का रास्ता तो मैं सच बताता हूँ मैंने भी नहीं बताया, यहाँ से एक काम करता हूँ यहाँ से दोनों साइड एक एक लेयर रोड डालता हूँ, अब देखता हूँ कैसी लग रही है वैसे भाई फुल लग रही है। देखो मुझे अगर इस साइड जाना है ना तो यहाँ से सीधा मैं चला जा सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है भाई अपने को, हम सीधा ही जा सकते हैं और हमें यहाँ पर भी कुछ अच्छा कर। तो गाइस अभी मैं यहाँ से मैंने सोच लिया मैंने क्या करना मेरे को, तो अभी यहाँ से मैं और एक मतलब दूसरे कोई ऑप्टी से कोई मतलब कोई सा भी मैं गाइस मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, तो मैं यहाँ से वाली पूरी लेयर बनाने वाला हूँ इस साइड, मतलब पूरी तो नहीं वैसे लास्ट में मैं जगह रख दूँगा यहाँ से उधर मतलब इस साइड आने की और उस साइड जाने की। हाँ तो यहाँ पे मैंने रख दिया और लास्ट में जगह भी हमने रख दी है, और यहाँ पर भी गाइस हम सेम टू सेम वही करने वाले जो हमने वहाँ किया था, तो यहाँ से हम इस साइड जा सकते हैं और हम यहाँ पर लगाने वाले कारपेंट यहाँ गए जिसे देखने में हमें भी काफ़ी ज़्यादा कूल लगे, तो यहाँ पे हम लगाने वाले ब्लैक एंड वाइट कार पेंट। तो आप लोगों को पता ही होगा मैं भी क्या आप लोगों को बता रहा हूँ भाई, वैसे दिमाग पे भाई सब कुछ मैं यहाँ ज़्यादा है ना, मैं भी आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को तो मुझसे ज़्यादा पता होगा ना भाई, मैं तो अभी नया नया हूँ लेकिन आप लोग तो भाई मुझसे भी पुराने हो। और यहाँ पर कुछ एक कलर की वाली लगा देती हूँ, भैया कौन सी लगा दी अभी यार गलत लूँगी, मैं कह रहा था कि हम यहाँ पे ये वाले अभी है। हाँ तो देखो अब ये थोड़ा और कूल लगेगा इस, देखो हम जैसे कि यहाँ से हम आ रहे हैं हम ऐसे ही जैसे ऊपर चले यहाँ पर अलग करो यहाँ पर वहाँ, और लेंटन गए हमने पता नहीं कहाँ डाल दी लेकिन हम फिर से एक बार ले ही लेते हैं, और यहाँ पर हम एक एक लेंटन लगा देते जिससे रोशनी भी रहे थोड़ी, और यहाँ पे आते ही वाओ ये वाला। तो यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ अपना बेडरूम, उसके लिए हमें क्या चाहिए भाई, सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए बेड, तो मैं पहले बेड ले लेता हूँ, उसके बाद मुझे चाहिए स्लैब्स, तो मैं सोच रहा हूँ कि ना ये वाइट वाले स्लैब्स ले लेता हूँ, तो बस बस मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए, इसके ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ओ सॉरी गाइस सो थोड़ा आके मेरा का इश्यू हो गया था लेकिन अब सब सॉल्व हो चुका है, और अब हम बनाने वाले हैं अपना एक प्यारा सा बेडरूम। हाँ तो मैं कह रहा था कि हम दो बेड लगाएंगे इस साइड, तो एक हम यहाँ पर लगा देते हैं और शायद एक अच्छा लगेगा, लेकिन एक काम करते हैं हम अलग अलग कलर्स का ये जो बेड है ना वो लगा देते हैं भाई, अलग अलग मतलब अलग अलग कलर का लगाएंगे तो देखने में भी ये अच्छा वाला लगेगा गाइस, वैसे बुरा नहीं लगेगा। तो एक हम इस साइड डाल देते और एक इस साइड, तो अब इसके हम साइड में ये वाला पूरा स्लैब का भर देते हैं जिसे और ज़्यादा कूल लगेगा। इसके बाद भाई लेंटन इसके बाद हम दो लेंटन यहाँ पे लगा देंगे जिससे अभी ये हमारा रूम हो चुका है कम्प्लीट, जैसे आप लोग अभी देख ही सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है, और यहाँ से हम इजिली व्यू भी ले सकते हैं, और यहाँ पर हम लगा देंगे प्यारी प्यारी कारपेंट गाइस जिससे ये हमारा रूम कंप्लीट हो गया। जी हाँ गाइस मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सचमुच यहाँ पे लगाने वाला हूँ ये वाला, हाँ मतलब यहाँ पे गाइस मैं कारपेंट अभी लगा देता हूँ फटाफट से,
और गाइस अभी आपको मेरा कैमरा एंगल भी थोड़ा सा चेंज दिख गया होगा, मतलब मैंने कैमरा बदल दिया इसलिए। हाँ तो अभी ये काफी कूल लग रहा है। और इस साइड में बनाने वाला हूँ थोड़ा सा चेस वगैरह का, मतलब वैसा टाइप रूम, आप समझ ही गए होंगे। तो सबसे पहले मैं लेने वाला हूँ ये चेस, उसके बाद हम लेने वाले एंडर चेस, उसके बाद हम लेने वाले क्राफ्टिंग टेबल, उसके बाद हम एनविल और फर्निश। कहाँ गया भाई, ये रहा भाई। गाइस हमार लेकिन फर्नेस की आज जरूरत, काफी जगह पे फर्नेस है तो इतना आई थिंक सो भी मेरे लिए काफी है। तो यहाँ पे गाइस मैं दो चेस रखूंगा, उसके बाद मैं एक क्राफ्टिंग टेबल रखूंगा, और उसके बाद हम दो एंडर चेस रखेंगे भाई। तो इतना होने के बाद हम इस साइड कुछ अच्छी वाली पेंटिंग बना सकते है गाइस। बनाऊ क्या, नहीं एक काम करता हूँ ना, एक कैंप फायर बना देता हूँ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कैंप फायर में कुछ अलग टाइप के ब्लॉक रख दू, मतलब उसमें अलग भी क्या हो सकता भाई। कैंप फायर होती है। तो यहाँ से मैं एक ऐसे लेयर बना देता हूँ इस तरीके की गाइस, मैं पूरी लेयर बना रहा हूँ। और यहाँ पे हम दो कैंप फायर रखने वाले हैं साइड से गाइस। मुझे यहाँ पे नीचे की साइड रखना था ये था। तो गाइस अभी मैं सारा का सारा मतलब ये तोड़ डालकर हम यहाँ पे कैंप फायर रख देते हैं भाई। ये वैसे कूल लग रहा है भाई, अगर ये निकल दो तो कैसा लगेगा। नहीं भाई निकल दो तो नहीं अच्छा लग रहा है भाई ये, और ये अभी निकल दो तो भाई कैसा, मतलब अब कैसा लगेगा। अरे भाई ये तो बारिश आनी शुरू हो गई जैसे ही निकला भाई। वैसे गाइस अपनी कैंप फायर ना कुछ यूनिक है भाई, मतलब ऐसा बारिश बारिश से नहीं रुकने वाली है भाई, अपनी कैंप फायर ना यूनिक वाली है। आप मतलब समझ रहे हो ना भाई मैं क्या कह रहा हूँ। तो गाइस अभी मुझे चाहिए ना प्लैंक, कौन से वाले थे भाई, ये वाले थे ना, हम ये वाले यहाँ पर एक लगा देते। और भाई अभी कूल लग रहा है, अगर मैं आपको ये चीज बाहर से दिखाऊँ तो पता नहीं कैसी लग रही होगी, लेकिन अच्छी लग रही होगी। और ये भाई बारिश फिर से आ गई हमारी वीडियो में टांग उड़ाने के लिए। हाँ तो अभी गाइस आप लोग देख सकते हो काफी कूल लग रहा है, और यहाँ से जो निकल रहा है ना मतलब उसका स्मोक और धुआं वो भी काफी कूल लग रहा है भाई। आप लोग देख सकते हो ये काफी कूल हाउस बन चुका है अब। अगर गाइस और मुझे थोड़ा सा कुछ करना है वो है यहाँ पर चेंजेस। हाँ मैं यहाँ पर वो लगाने वाला हूँ जो कि मैं अभी लगा ही देता हूँ, मतलब क्या भाई मैं भी यार। तो यहाँ पर से मैं कौन से वाले ब्लॉक लगाऊ भाई, मतलब जो देखने में भी थोड़ा सा ऐसा कूल टाइप लगे ना भाई। क्या हाँ स्टोन लगाऊ क्या, नहीं यार स्टोन तो नहीं लगाना है, कोई और वाला ब्लॉक हम लगाते हैं भाई। हम कोई डिजाइन वाला भी लगा सकते, एक काम करते हैं डिजाइन वाले लगा देते। तो मैं करने वाला हूँ यहाँ से ये वाला कवर। बे भाई क्या हो गया, हाँ गाइज वो नहीं है वहाँ पे नहीं होने वाला है। तो यहाँ से गाइज ये होने वाला इस तरीके से कुछ कवर। तो यहाँ से गाइज मतलब पूरा मैं नहीं कवर करने वाला हूँ, गाइज मैं इतना ही कवर करने वाला हूँ। और ये गाइज हम नीचे तक कवर करने, मतलब यहाँ तक ही नीचे, यानी यहाँ तक ही हम कवर करने वाले हैं। ये पूरा का पूरा गाइज हम ब्लॉक करने वाले हैं, क्योंकि गाइज इससे जो बाहर से हम देखेंगे ना वो अच्छा लगने वाला है इससे। तो मैं सोचा क्यों ना दोनों साइड में से अलग अलग टाइप के मतलब ये वाले लगाऊ, जिससे ये भी मतलब कुछ यूनिक टाइप लगेगा ना भाई। ओ भाई अभी बिजली गिरी थी, लेकिन ये बारिश यार मैंने रोकी थी, रोकी क्यों नहीं भाई। अभी मैं टाइम में कहाँ पे, एक काम का तो दिन का भाई से मैं सेट कर देता हूँ। और मैं अभी चलता हूँ वेदर में, अब मैं डाल दिया, हाँ हो गया है। तो इस साइड मैंने कुछ इस तरह के ब्लॉक लगे लेकिन अभी पूरे नहीं हुए। तो यहाँ से मैं ये वाले लगा देता हूँ। वैसे देखो अभी वन एक साइड है ना वो थोड़ी अच्छी लग रही है भाई, और इसके ऊपर हम साइड से स्लेब भी लगा सकते हैं, ट्राई करके देखते हैं कुछ अच्छे वाले स्लेब। ये वाले भाई अच्छे हैं, अगर लगा कर हम सिर्फ देखते भाई ये नहीं आ रहा है क्या भाई, अगर ये ऊपर वाले तोड़ तोड़ के आ जाएंगे यार, तो फिर भी नहीं आ रहे आगे पूरा, नहीं आएंगे भाई ये नहीं आएंगे भाई, ये निकाल दो भाई ये, मतलब ये से ही अच्छा लग रहा है। और इस साइड में कौन सा वाला लगाऊ भाई, मतलब लगाना कुछ ऐसा मतलब स्टाइली सी, लेकिन कुछ अलग टाइप का गाइस में लगाने वाला हूँ, हम ये वाला लगाने वाले गाइस। तो ये अभी हम ये भी फटाफट से कर डालते हैं गाइस,
मैं मिलता आपको ये वाला थोड़ा सा कंप्लीट करने के बाद। तो गाइस अभी हमारा पूरा का पूरा हो चुका है अपना हाउस रेडी, तो अभी मैं आपको पूरा हाउस का एक टूर दे देता हूँ, लेट्स गो। तो गाइस ये अपने हाउस का एक प्यारा सा छोटा सा टूर। तो ये हमारा प्यारा सा एक बेडरूम है और यहाँ पे हमने लेंटन लगाई हुई, और अब बात करूँ दूसरे रूम की तो यहाँ पे हमने चेस्ट वगैरह लगाई हुई, यहाँ पे हमने कैंप फायर लगाया हुआ है। और अगर आपको मैं अगर बाहर से और बालकनी से देखाऊँ तो हमें कुछ इस तरीके का व्यू मिलता है, और अगर सामने से दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके का हमें दिखता है। इतना प्यारा सा इस प्यारा हाउस के लिए एक लाइक तो बनता है गाइस, तो फटाफट जाकर लाइक करो। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।